हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद द ट्रांस। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे आप एक स्विच को एक आउटपुट के साथ कनेक्ट करते हैं और इसकी एचएमआई पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, आप क्या करते हो, आप एक स्विच बनाते हो और जिसको एक आउटपुट से कनेक्ट कर देते हो। इस एचएमआई के स्विच से ही आप रियल पीएलसी के इनपुट को कंट्रोल कर सकते हो, है ना। जब आप एचएमआई की स्क्रीन पर उस बटन को दबाते हो जो कि पीएलसी के प्रोग्राम के इस स्विच के साथ एसोसिएटेड है, तो आपका इनपुट ऑन होता है और आपको आउटपुट पीएलसी से जो कनेक्टेड आउटपुट है वो मिलता है। उस आउटपुट का भी आप रिप्रेजेंटेशन एचएमआई में कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात हमने देख ली थी। हमने इस नॉर्मली ओपन बटन को एचएमआई में एक स्विच बनाया था। इस बार हम लोग देखते हैं इसको, हम लोग एक पुश बटन बनाते हैं और फिर देखते हैं हमें किस तरह का आउटपुट मिलता है, और फिर उसमें मैं कुछ चीज़ें को सुधार करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोग्राम है, बस इसको आपको क्या करना है, आप इसको कंपाइल कर लीजिए रीबिल्ट ऑल करके, और उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट स्टॉप सिमुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये जो प्रोग्राम है ये आपकी वर्चुअल पीएलसी पे लोड हो रहा है। ध्यान रखिएगा, मेरे पास अभी कोई हार्डवेयर नहीं है यहाँ पर, मैं आपको केवल सॉफ्टवेयर पे करना सिखा रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम में ज़्यादातर लोगों के पास हार्डवेयर नहीं होता है, तो घर पे अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इस तरह से सीख सकते हैं सिमुलेटर पे ही। ठीक है, कोई अंतर नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप अगर पीएलसी लेके भी आएंगे तो आप थोड़े दिन बाद कहेंगे कि ये तो सिमुलेटर पे भी सारी चीज़ें हो रही थी। ठीक है, तो अपने हार्डवेयर में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमने इतना किया, इसको मैंने क्लोज किया और मैं जीटी डिज़ाइनर को ओपन कर दूंगा। जीटी डिज़ाइनर इज़ दी सॉफ्टवेयर, है ना, जिस पे हम लोग एचएमआई स्क्रीन डेवलप करते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि इसको जस्ट मैंने ओपन किया, वही सेम प्रोसीजर जो पिछले वीडियो में हमने देखा था। आप अगर लगातार ये सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक प्लेलिस्ट बना के आपको लिंक दे दूंगा, तो वहां पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको क्लियरली सारी वीडियो एक लाइन में शो कर जाएंगी। ठीक है, अब अगर आप एक बटन लेते हो, बस उसका एक आपने बटन लिया और एक आपने आउटपुट लिया। ठीक है, ओके। अब देखिए, इस बटन को हम जो मेरे पीएलसी का जो एड्रेस है, मान लो कोई पीएलसी का एक एड्रेस है IX0, मतलब उसका टर्मिनल जो है पहला टर्मिनल की बात हम लोग कर रहे हैं, और उस पे हम ये एचएमआई से एक वर्चुअल स्विच कनेक्ट करा रहे हैं जो कि रियल में अगर पीएलसी के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो रियल में उसका इनपुट को ऑन करा सकता है। आप स्क्रीन से ही पीएलसी के टर्मिनल को ऑन करा सकते हो और उससे कनेक्टेड आउटपुट को ऑन करा सकते हो। पिछली बार हमने इसको स्विच बनाया था, इस बार हम लोग क्या करते हैं, बिट में जाएंगे और इसका एड्रेस सिलेक्ट करेंगे इस स्विच का। ठीक है, ये हमने किया, इसको ओके कर दिया। ठीक है, अब इसमें डिपेंड करता है आप इसको स्विच की तरह यूज करना चाहते हो, अल्टरनेट माने स्विच, मोमेंटरी माने पुश बटन। तो इंडस्ट्री में आप देखोगे आप क्या करते हो, इन जनरल पुश बटन्स का यूज करते हो, तो इसको मैंने मोमेंटरी बना के दिखाया है अभी आपको। पुश बटन मैं इसको बना देता हूँ। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो लास्ट में आएगा, तो आप इस पे इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको सिखाना चाहता हूँ। तो इसको मैंने ओके किया और यहाँ पे इस आउटपुट को मैंने एक एड्रेस दे दिया। तो आउटपुट में जब आप जाएंगे, यहाँ पे आप देखिए बेसिक सेटिंग में डिवाइस सिलेक्टेड है और यहाँ पर आप बिट, ये देखिए बिट है, इसको यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप गए और आपने बिट को एड्रेस दिया Y0, इसको आपने ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप इसको जब ये ऑन हो जाए तो कलर दे सकते हैं कोई भी अपने मन का। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसको येलो कलर दूँ, जब ये ऑन हो जाए तो येलो कलर की शो हो जाए, और इसको मैंने ओके किया। ठीक है, एड्रेसिंग हो गई। अब देखते हैं ये क्या होता है और हमें क्या सुधार यहाँ पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे इसको मैं ऑन कराता हूँ, और ऑन कराने के बाद ध्यान रखिएगा आपके GX Works 2 का भी सिमुलेटर ऑन होना चाहिए। और अब देखिए, देख रहे हो आप क्या हो रहा है, जब आप बटन को प्रेस कर रहे हो तब तो आउटपुट ऑन है ना, और छोड़ दे रहे हो तो ऑफ है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से पुश बटन हो गया, है ना। जैसे मैंने इनपुट दबाया रहा तो आउटपुट ऑन है, और छोड़ दिया तो आउटपुट ऑफ हो गया।
अगर मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर के साथ भी इस चीज़ को देखूँ तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर जब मैं इनपुट को प्रेस करूँगा तो आउटपुट ऑन हो रहा है और फिर ऑफ हो जा रहा है, और अगर बटन दबाए रह रहा हूँ, ये मैं माउस का बटन दबाए रह रहा हूँ तो ये ऑन रह रहा है, ठीक है, छोड़ दिया तो ऑफ हो गया। तो ये क्या हो गया, एक तरह से मूवमेंटली चीज हो गई। अब आपके तो इंडस्ट्री में ज़्यादातर पुश बटन आप लेके चलते हो कि जो टर्मिनल है उस पर जो इनपुट जाए वो एक पल्स की फॉर्म में जाए, लेकिन आप अगर इससे आउटपुट लगातार चाहते हो तो आपको कुछ प्रोग्रामिंग में चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स भी सब देखे हैं तो आपको पता होगा इसके लिए हम क्या करते हैं। एक पुश बटन अगर मेरे पास है और मैं उससे चाहता हूँ कि मुझे आउटपुट जो है वो लगातार मिलता रहे, तो मैं क्या करता हूँ, लैचिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको विजुलाइजेशन भी हो जाएगा। एक बार मैं लैचिंग यहाँ पे कर देता हूँ,